स्वामी जी, अब वक्त हो गया लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। कुमारेशन अय्यर, हमने पहला सवाल कुमारेशन अय्यर का शामिल किया है। वो कह रहे हैं कि उनके बेटे की प्लेटलेट्स ज्यादा हो गई हैं। अक्सर हम सुनते हैं प्लेटलेट्स घट गई हैं, यहाँ ज्यादा हो गई प्लेटलेट्स, अब इसे नॉर्मल कंडीशन में कैसे लाना है? तो देखो, ये प्लेटलेट बढ़ेवे का मैंने एक दिन पहले भी उपाय बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। ये जो अर्जुन की छाल डालती है, इसके तो चाय पिए और सुबह गोधन अर्क पिए। गोधन अर्क बढ़ा हुआ प्लेटलेट बढ़ा हुआ, किसी का ब्लड भी बहुत बढ़ जाता है, 18 से ज़्यादा 19-20-21 तक हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन होता है, करोड़ों में किसी एक को होता है। तो किसी का ब्लड यदि बढ़ा हुआ है और ये प्लेटलेट कोरोना के बाद बहुत बढ़े, तो गोधन अर्क ले और गोधन अर्क के साथ साथ अर्जुन की छाल दालचीनी पी ले, पूरी तरह से बढ़े हुए प्लेटलेट एकदम नॉर्मल आ जाएंगे। मैंने 19-20 लाख जिनके हो गए थे उनके भी ठीक किए, वापस 3-4 लाख के बीच में आ जाते हैं। और प्लेटलेट को कम करने के लिए कपालभाति भी प्राणायाम जरूर किया करें। अगला प्रश्न आप ले लें स्वामी जी। अगला सवाल मानसी चंद्रा का है, अपनी माँ के लिए मानसी पूछ रही है। उनका कहना है कि उनकी माँ को 20 सालों से स्किन की एलर्जी है, तो क्या उपाय करें कि ये 20 सालों की स्किन की एलर्जी दूर हो जाए? और स्वामी जी, जिनको पॉल्यूशन की वजह से स्किन एलर्जी होती है, उसके लिए भी उपाय बता दीजिए। माँ के लिए उपाय है, हाँ तो ठीक है, तो प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। और ये स्किन एलर्जी के लिए मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले ही, ये पोल्यूशन का स्किन पर भी असर होता है, ब्लड पर भी, बोन पर, ब्रेन पर, लंग, हार्ट, सब पर असर होता है। तो गोधन अर्क ये इतना अद्भुत उपाय है, गोधन अर्क नीम की गोली, नीम घनवटी हम देते हैं, दो दो गोली वो खा लें। और ज़्यादा ही स्किन एलर्जी है तो डर्माग्रिट, आरोग्यवटी या सोरोग्रिट, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अद्भुत, अप्रतिम कायाकल्प और वटी और कायाकल्प क्वा तो हम पहले से देते थे, तो 30 साल से दे रहे हैं, लेकिन ये नए प्रयोग भी हमने बताया अभी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट और एक दिव्य दिव्य कैप्सूल बनाया हमने, दिव्य तैलम भी बनाया, दिव्य कैप्सूल खाने के लिए और दिव्य तैमला लगाने के लिए। हमने इसका एनिमल ट्रायल भी किया, पूरे चूहों की चमड़ी एकदम से उधड़ सी गई, उसके बाद ये लगाया, अप्लाई किया। कायाकल्प तेल तो पहले से बताते थे, तो मानसी की माँ के लिए बता दिया है। बाकी जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, नमक कम से कम कर दें, मीठा थोड़ी दें, आर्टिफिशियल मीठा तो बिल्कुल ही ना खाए, खजूर आदि खा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे। पूजा की तो सहेली की कोई दिक्कत, बड़ी से बड़ी एलर्जी, सोराइसिस भी हो गया तो सोरोगेट। स्वामी जी, खुशबू का सवाल है, पूजा जी वो ले लेती हूँ। कोविड के बाद से उनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और स्वामी जी उनके ही नहीं, मेरे भी बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, मुझे भी उपाय चाहिए, उपाय बता दीजिए। वैसे बहुत से लोगों की परेशानी है। ये 5 मिनट अच्छे, आज एक बिहार से दंपति आए, उसके सच में पूरे बाल उड़ गए थे, बोले जी हथेली जैसा सिर हो गया था मेरी पत्नी का, और अब वो ठीक हो गए। तो केश कांति एडवांस लगाएं और शीर्षासन करें, हो सके तो ये 5 मिनट ये भी कर लें, आंवला एलोवेरा और गिलोई पी लें। अब बताओ, केश कांति एडवांस अप्रतिम है, और जिनसे बन पाए तो आप तो शीर्षासन सीख लो ज्योत्सना जी से, और नहीं तो अब तब तक सर्वांगासन करके ही गुजारा कर लो। आंवला एलोवेरा और गिलोय पीना शुरू कर देना, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, और जैसे अभी एकदम मुस्कुराती हुई हस्ती दिखती है, तैसे दिन भर मुस्कुराया करो। एंकरिंग के समय भी एंगर मत किया करना, वैसे तो आप करती नहीं हो, बहुत अच्छी बहन हो आप तो। अच्छे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।